नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण का चुनाव जारी है। वहीं 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव होना है। कुल 692 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में बंद हो जाएगा। वहीं 1 बजे तक के आंकड़े आ चुके हैं। हम आपको 1 बजे तक के आंकड़े बता देते। उत्तर प्रदेश में कुल 34.83% मतदान हो चुका है। वहीं प्रयागराज में 30.37% मतदान हो चुका है। बहराइच में भी 37.25% मतदान हो चुका है। श्रावस्ती में 36.65% मतदान हो चुका है। प्रतापगढ़ में 33.59% मतदान हो चुका है। कौशाम्बी में 37% मतदान हो चुका है। रायबरेली में 33.64% मतदान हो चुका है। ये आंकड़े 1 बजे तक के हैं, पांचवें चरण के चुनाव का। वहीं अगर बात करें कुल यूपी में कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं, तो यूपी में अभी तक 34.83% मतदान हो चुका है। 1 बजे तक के हम आपको वोटिंग प्रतिशत बता रहे हैं। रायबरेली में 33.64% मतदान हो चुका है। वहीं बाराबंकी में 36.25% मतदान हो चुका है। प्रयागराज में 30.37% मतदान हो चुका है। अयोध्या में 38.79% मतदान हो चुका है। बहराइच में 37.25% मतदान हो चुका है। वहीं अमेठी में 34.08% मतदान हो चुका है। हालांकि अमेठी से कई ऐसी खबरें भी सामने आई हैं, लगातार सारे मुश्किलों के बीच मतदान लगातार सुबह 7 बजे से जारी है, शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में 1 बजे तक कुल 34.83% मतदान हो चुका है। वहीं अयोध्या में बात करें तो रायबरेली में 33.64% मतदान हो चुका। अमेठी में 34.08% मतदान हो चुका है। प्रयागराज में 30.37% मतदान हो चुका है। पांचवें चरण का चुनाव लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव चल रहा है। वहीं कुल उम्मीदवार 692 चुनावी मैदान में है। वहीं अभी तक 1 बजे तक कुल वोटिंग प्रतिशत सामने आ चुका है, 34.83% मतदान हो चुका है। वहीं हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। वहीं अमेठी से हमारे संवाददाता वीरेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, किस तरह से चुनाव अभी तक संपन्न हो रहा है, एक बजने को आ गए हैं, लोगों में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि अमेठी पूर्वक मतदान चल रहा था। वहीं थोड़ी देर पहले अभी अगर बात की जाए मंगौली भोबूपुर की, तो वहां पे अभी कांग्रेस प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी दोनों लोग आपस में भिड़ जाते हैं, और उसमें जिला अधिकारी और जिले के कप्तान और भारी पुलिस बल वहां मौके पर पहुंचती, और वहां पे जो उपद्रवी थे उनको हिरासत में लिया जाता और उनको हिरासत में लेके उनको थाने पर पहुंचाया जाता है। जी जी वीरेंद्र, मतदान में तो कोई बाधा नहीं है? जो हिंसक झड़प हुई थी दो पार्टियों के बीच में, क्या उससे मतदान में कोई बाधा तो नहीं आई? जी, आपको बता दें कि जो भाजपा और जो कांग्रेस के बीच में जो झड़प हुई थी उससे आधे घंटे का लिए स्थगित कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, पोलिंग बूथ बंद कर दिया गया था, क्योंकि उसमें भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी आपस में भिड़ गए थे, लाठी डंडे हाथापाई होना शुरू हो गई थी। जब पुलिस बल मौके पर पहुंची तो कहीं ना कहीं जाके मामले को शांत कराया गया, और शांत करा के कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक अब मतदान फिर से सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। जी वीरेंद्र, अमेठी की जनता मतदान केंद्र पर किन मुद्दों के साथ जा रही है, और ये सबसे अहम बात है? जी, मैं पहले भी यही बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ, अमेठी की जनता इस बार काफी आक्रोशित थी और अभी भी आक्रोशित है, क्योंकि उसको विकास कहीं दिख नहीं रहा, और कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर ही अमेठी की जनता इस बार जाना चाहेगी। कोविड गाइडलाइन को क्या कुछ किस तरह से फॉलो किया जा रहा है, प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है कि कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाए? जी, मैं आपको बता दूं बिल्कुल कि अगर देखा जाए तो कोरोना काल की गाइडलाइन को लेके या पोलिंग बूथ पर जो समस्याएं हैं, जैसे किसी बूथ पर व्हीलचेयर की व्यवस्था नहीं है, किसी पोलिंग बूथ पर मास्क की व्यवस्था नहीं है, तो ये कई पोलिंग बूथ पर देखा गया कि जहां पर ऐसी समस्याएं बनी हुई हैं। वीरेंद्र, एक बार हम जान लेंगे कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में है अमेठी से। अमेठी से अगर बात की जाए तो भाजपा विधानसभा 184 से सुरेश पासी भाजपा प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से विजय पासी हैं, और वहीं अगर देखा जाए सपा से बिमलेश सरोज हैं, और कई ऐसे दिग्गज अमेठी से चुनावी मैदान में हैं।
दिव्यांग जनों का जनों के लिए क्या कुछ सुविधा है मतदान केंद्रों पर, और किस तरह से क्या दिव्यांग जन आ रहे हैं, और जो बुजुर्ग हैं हमारे वो उनमें कितना उत्साह दिख रहा है और वो कितने उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं, मतदान के लिए काफी उत्साहित हैं लोग और मतदान के लिए बराबर वो पहुंच रहे हैं और मतदान अपना कर रहे हैं। जी सुविधा क्या कुछ की गई है दिव्यांग जनों के लिए वीरेंद्र अलग से? जी आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की एक टीम किसी किसी पोलिंग बूथ पे मौजूद है, जो व्हीलचेयर के साथ खड़ी है और उनको जो दिव्यांग जन है उनको बिठाकर और पोलिंग बूथ पे ले जाया जा रहा है और उस साथ के साथ उनका मतदान कराकर उनको वापस गाड़ियों में बिठाया जा रहा है या नियर बाई है तो उनको वहां छोड़ा जा रहा है। जी अभी आपने बताया कि अमेठी की जनता के कई अहम मुद्दे जिसमें से रोडों का विकास एक बेहद ही अहम मुद्दा है, तो क्या कुछ असर पड़ रहा है मतदान केंद्र पे? आपने वहां के लोगों से बातचीत भी की होगी, तो क्या इस मुद्दे को लेकर लोगों में कुछ आक्रोश देखने को मिल रहा है? इस मुद्दे को लोग दिमाग में रख के क्या मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको कि आपको फिर दोहराना चाहूंगा कि अमेठी की जनता एक बार फिर आक्रोशित है क्योंकि गड्ढा मुक्त सड़कें चाहिए और गड्ढा अभी तक भरा नहीं गया है और उसी को लेकर काफी एक हर एक गांव में हर एक जगह पे एक बोर्ड लगाया गया था, रोड नहीं तो वोट नहीं, एसी में बैठने वाले नेता गांव में आने से वर्जित हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार सरकार को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखना होगा कि 10 तारीख को क्या होता है। वीरेंद्र आपने कहा कि एसी में बैठने वाले नेता, यह ऐसा बोर्ड लगाया गया था, तो क्या किसी पर्टिकुलर नेता के लिए बात कही थी या फिर सभी नेताओं के लिए बात कही गई थी? नहीं ये सभी नेताओं के ऊपर लागू हुआ है, ये सभी नेताओं के ऊपर लागू हुआ है, किसी एक नेता के ऊपर लागू नहीं हुआ था, ये सभी नेताओं के ऊपर लागू हुआ था। जी और इससे एक और अहम मुद्दा निकल के सामने आता है, ऐसी पोस्टर होर्डिंग लगाने के बाद से ये बात तो बिल्कुल प्रत्याशियों तक या फिर मौजूदा जो भी वहाँ के विधायक है उनके तक गई थी, तो क्या लोगों से वो बात करने आए, लोगों तक वो पहुंचे? जी बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जब ये मामला निकल के आया, बोर्ड लगा रोड नहीं तो वोट नहीं है, एसी में बैठने वाले नेता वर्जित है गांव में आने से, तो प्रशासन की टीम, हमारी उपजिलाधिकारी टीम और विधायक जो है वो काफी उनको मनाने की कोशिश की कि इस बार आप मतदान कीजिए और आपकी जो रोड की समस्या है उसको पूरी की जाएगी, लेकिन वही ग्रामीणों का गुस्सा एक अपनी चरम पे है कि वो उनका कहना है कि चाहे वो अगर विधायक बन जाते हैं या तो गांव में 5 साल वो किसी के दुख सुख में आने से एकदम कतराते हैं और जहां इलेक्शन का टाइम आता है 5 साल बीत जाते हैं और वो 1 हफ्ते 15 दिन पहले से वोट मांगने के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं। वीरेंद्र अभी थोड़ी देर पहले लगभग 11-12 बजे के आसपास एक वहां पे बुजुर्ग मौजूद थे, उन्होंने ये कहा था कि इस बार जो वोटर लिस्ट में है वो बड़ी गड़बड़ी अमेठी से सामने आ रही है। उन्होंने ये कहा था कि जबकि इलेक्शन कमीशन द्वारा ये कहा गया था कि अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम किसी कारण की वजह से नहीं आ पाया है तो अपना आधार कार्ड लेकर के जाएं, कुछ फॉर्म भरने पड़ेंगे और वहां पे आपको वोट डलवा दिया जाएगा, और उसके बाद भी वहां पे जो मौजूद है प्रशासन वो ऐसा नहीं कि जिसको लेकर भारी लोगों में रोष देखने को मिला था, तो क्या इस समस्या का समाधान हुआ? जिनका लिस्ट में नाम नहीं है क्या उनको वोट डालने दिया जा रहा है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि आप ऐसा कर सकते हैं। जी बिल्कुल आपको बता दें कि अमेठी जिला अधिकारी के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उनका आधार कार्ड के द्वारा या जो अन्य चीजें हैं उनके जो पहचान पत्र है उसके द्वारा वोट का मत का प्रयोग करने देंगे, और कहीं ना कहीं इसमें अगर देखा जाए तो बीएलओ जो होती है बीएलओ की सीधी तौर पे उनकी लापरवाही सामने आती है कि घर बैठे वो अपना काम करना चाहती हैं, गांव के में नहीं निकलना चाहती, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीएलओ की और प्रशासन की भारी लापरवाही इसमें सामने निकल कर आई है। जी वीरेंद्र बिल्कुल आप अमेठी के मतदान केंद्रों पे अपनी नजर बनाए रखिए, थोड़ी देर में फिर से आपसे जुड़ेंगे। हमारे संवाददाता अमेठी से वीरेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि क्या कुछ वहां के मौजूदा हालात है। अमेठी से कई ऐसे मामले भी सामने आ रहे थे, अमेठी की जनता चुनाव के पहले विरोध भी कर रही थी, पोस्टर्स लगाकर उन्होंने यह भी लिखा था कि रोड नहीं तो वोट नहीं, एसी में बैठने वाले नेता, ऐसे तमाम मुद्दे सामने आए थे।
इन सब चीजों के बीच मतदान जारी है अमेठी में। आपको फिर से बता दें, 1 बजे तक उत्तर प्रदेश में 34.83% मतदान हो चुका है। वहीं अगर बात प्रतापगढ़ की करें, प्रतापगढ़ में 33.59% मतदान हो चुका है। कौशाम्बी में 37.25% मतदान हो चुका है। श्रावस्ती में 36.65% मतदान हो चुका है। रायबरेली में 33.64% मतदान हो चुका है। वहीं अमेठी में भी मतदान जारी है हर जगह। वहीं लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं मतदान केंद्रों पर और आपको एक एक खबर मतदान केंद्रों की बता रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे प्रतापगढ़ के संवाददाता ने वहां का जायजा लिया है। आइए आप भी देखिए कि क्या कुछ वहां के मतदान का जायजा है। आज है, आज मतदान दिवस है। यहाँ पर आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर कुछ हमारे मतदान कर्मी जो मतदान देकर लगातार वापस आ रहे हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अब की बार किन मुद्दों पर आप कर रहे हैं मतदान, अब की बार मतदान करने का क्या मुद्दा है, क्षेत्र में किन विशेष मुद्दों पर है, क्या अब की बार विकास के नाम पर मतदान करेंगे या अब की बार यहाँ पर केवल जो बातें कही गई हैं उस पर मतदान करेंगे। हमारे साथ नगर पंचायत अध्यक्ष जी मौजूद हैं, जो आप प्रतिनिधि हैं नगर पंचायत अध्यक्ष, आप मौजूद हैं। आपसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अब की बार किन मुद्दों पर मतदान करेंगे। किन मुद्दों पर मतदान किया अब की बार? नहीं, हम तो हर बार विकास पे ही वोटिंग करते हैं। रामपुर खास में क्या मुद्दा रहेगा अब की बार जो लोगों को प्रभावित कर सकता है? हमेशा का मुद्दा यही है कि विकास हमारे यहाँ निरंतर हमेशा चलता रहा है और चलता रहेगा। इसीलिए हम लोग माननीय नेताजी को, विधायक जी को हम लोग वोट करते हैं। पूरा एक समर्थन हम लोगों को रहता है। क्या रामपुर खास में अब की बार सत्ता परिवर्तित होगी? यदि परिवर्तित होगी तो किस मुद्दे पर? नहीं होगी तो आखिर किस मुद्दे पर? रामपुर खास में सत्ता परिवर्तित नहीं होगी, उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तित होगी। प्रियंका जी के नेतृत्व में जो है सरकार बनेगी कांग्रेस की, ये पूर्ण संभावना है। इसी के मद्देनजर हम लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं और 1 लाख से अधिक मतों से जिता रहे हैं। क्या लग रहा है कि रामपुर खास में विकास हुआ है या नहीं? बहुत विकास हुआ है। हमारे ट्रामा सेंटर सरकारी अस्पताल में बहुत विकास हुआ है। यहाँ सड़क और नाली लालगंज में अपने बहुत सारे काम विधायिका जी ने किया है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिलाओं को 40% टिकट देने की बात कही है, तो क्या लग रहा है कि महिलाओं को जिस तरीके से बढ़ावा दिया गया है, इससे आप संतुष्ट हैं? हम उनके नारे से बहुत संतुष्ट हैं। क्या आप लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे से संतुष्ट हैं? जी हाँ, संतुष्ट हूँ। क्या लगता है रामपुर खास क्षेत्र में विकास हुआ है सर या नहीं? जी, विकास हुआ है और माननीय प्रमोद तिवारी जी को विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और उन्हीं के अहले कदम पर, उन्हीं के रास्ते पर जो है मोना मिश्रा जी चल रही हैं और सर्वांगीण विकास की धारा से ये हमेशा जुड़ा रहा है और इसी आशा से हम ये जुड़ा रहे हमेशा, इसी आशा से हम लोगों ने मोना मिश्रा को वोट दिया है। क्या लगता है यहाँ पर मोना मिश्रा जी जो विधायक हैं मौजूदा, ये विकास के नाम पर मत पाते हैं या फिर जो कही गई बातों के नाम पर मत पाते हैं? नहीं, विकास के नाम पर मत पाती हैं और उनका जो व्यक्तित्व है सबके सुख दुख में शामिल होने की और जनता के प्यार पाने की, उनकी जो एक पर्सनालिटी है, एक व्यक्तित्व है, उसकी वजह से उनको जनता दिल से प्यार करती है और चाहती है कि यहाँ से वो नेतृत्व प्रदान करें सरकार में। क्या अब की बार जब आपने मतदान दिया तो क्या मोना दीदी को व्यक्तिगत समझकर या पार्टी बेस पर मतदान किया? हम मोना दीदी को, नेताजी को हमेशा वोट करते हैं। मोना दीदी विकास की हैं और उन्हीं के साथ हम लोग पूरा एक तरफा उनके साथ रहते हैं। अब विकास का ही मुद्दा यहाँ रामपुर में रहता है, बाकी और कोई मुद्दा नहीं। महिलाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कई मुहिम चलाई है, तो क्या लगता है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी की जो मुहिम है, जो चुनावी घोषणा, उससे आप संतुष्ट हैं? विकास हुआ है रामपुर खास में? तो ये थी रामपुर खास की जनता और ये थे यहाँ के लोगों की राय। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बड़े ही ललक पूर्वक यहाँ के मतदान करने आते हैं और केवल इनका एक ही नारा है कि विकास के नाम पर यहाँ पर सदैव मतदान हुआ है, विकास के नाम पर हम लोग मतदान करते हैं। विकास के नाम पर बात की जाए तो इन्होंने रामपुर खास के वर्तमान विधायक आराधना मिश्रा मोना की बात की कि आराधना मिश्रा मोना रामपुर खास के वर्तमान विधायक ने यहाँ पर विकास किया है और सदैव हम लोग विकास के नाम पर मतदान करते रहे, जो अनरत रूप से चलाया है। उसी क्रम में आज भी आपने रामपुर खास की विधायक आराधना मिश्रा मोना को मत किया है और
आपका कहना भी है कि आपकी बार उभारी मतों से जीत रही है, फिलहाल ये निर्णय जो है वो 10 मार्च को क्लियर हो जाएगा। जिस तरीके से रामपुर खास में महिलाओं की राय, आम जनमानस की राय, लालगंज चेयरमैन की राय, तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं लोगों का रुझान रामपुर खास की विधायक आराधना मिश्रा मोना की ओर है। प्रेम मिश्रा, हमारे संवाददाता ने बताया कि किस तरह से जनता मतदान केंद्रों पर जा रही है प्रतापगढ़ की जनता, वही और अधिक जानकारी के संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे प्रेम मिश्रा। प्रेम, अभी हाल ही में एक खबर सामने आई है, गुलशन यादव पे हमला हुआ है, उन पे पत्थरबाजी हुई है, क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ उस मामले में अभी तक पता चल पाया है? बिल्कुल, अगर जनपद प्रताप की जाए तो जनपद प्रतापगढ़ का नाम आया और कुंडा विधानसभा का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता है। तो जनपद प्रतापगढ़ में कुंडा विधानसभा क्षेत्र जिस तरीके से घटना निकलकर सामने आई, बात की जाए नामांकन के दिन से शुरू हुई और ये घटना आज ही आप देख सकते हैं दोबारा दोहराई गई, तो अभी तक इसकी पुष्टि नहीं है। फिलहाल मौके पर संबंधित अधिकारी मौजूद हो चुके हैं और पूरी तरीके से जांच जो है वो जारी है। संबंधित अधिकारी आला अधिकारियों की संख्या भी वहां पर बढ़ा दी गई है। मामले की पूरी तरीके से जमीनी स्तर से तहकीकात की जा रही है कि कितने स्तर तक मामले में सत्यता का वाकई ये बात बनावटी है या फिर मामले में कुछ सच्चाई है, जिसको लेकर पूरी तरीके से जांच पड़ताल संबंधित अधिकारी कार्य में लगे हुए हैं। और जिस तरीके से भूषण यादव जी द्वारा ये आरोप लगाया गया, फिलहाल अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि निकलकर सामने नहीं आई है। जी फ्रेम, सबसे बड़ा सवाल या निशान तो यह घटना खड़ा ही करता है, क्योंकि पहले भी जब इनका नामांकन था तो ऐसी घटना सामने आ चुकी है, तब पुलिस प्रशासन ने यह कहा था कि यह कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, किसी के द्वारा कोई हमला नहीं कराया गया था, एक व्यक्ति था जो शराब के नशे में धुत था, उसने यह हमला कर दिया। लेकिन अब प्रशासन का क्या कुछ जवाब होगा, आज वोटिंग के दिन भी गुलशन यादव पर, हालांकि गुलशन यादव ने भी प्रशासन पर और वहां के जो विधायक है रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया उन पर यह इल्जाम लगाया है, आरोप लगाया है, एक बड़ा आरोप है कि प्रशासन की मिली भगत से हुआ है और जो वहां के मौजूदा विधायक उन्होंने करा है, तो इस पे जनता का क्या कुछ कहना है प्रेम, क्योंकि पहले भी ये हो चुका है और दोबारा भी हुआ और पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि कुंडा विधानसभा क्षेत्र पे कुछ ना कुछ तो होना ही है। बिल्कुल, जिस तरीके से नामांकन के दिन एक नई घटना हुई जिसका प्रशासनिक अधिकारियों ने उसकी खुलासा करते हुए वो आदमी हाल से ही सदर का निवासी पाया गया और वो अपने घर से निकला था मदिरा की नशे में, जिस तरीके से प्रेस रिलीज करके पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ ने मीडिया कर्मियों को अन्य संबंधित अधिकारियों को इसकी पुष्टि दी कि वह व्यक्ति जो है वहीं का निवासी था और वो केवल अफवाह लेकर जा रहा था, जिसकी सीसीटीवी कैमरे में फोटो भी आई और जिस तरीके से वो सारी चीजें निकल कर आई तो उसका घटना से कोई संबंध नहीं था। हाल में ही जिस तरीके से ये नई घटना निकलकर सामने आई है, जनता प्रतापगढ़ में कुंडा की बात की जाए तो जिस तरीके से कुंडा में लगातार ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आई हैं, तो इस पर संबंधित अधिकारी अभी भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, फिलहाल जांच का हवाला दे रहे हैं। जिस तरीके से नई घटना निकलकर सामने आई है, पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ कहना है कि बिना जांच के हुए इस पर कुछ कहना सटीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मामले की पूरी तरीके से जमीनी स्तर से जांच की जाएगी, केवल आप तो यही याद रखिए जो भी मामले में दोषी पाया गया, मामला सत्य पाया गया, सही पाया गया, घटना में किसी भी तरीके से किसी भी आरोपी की संलिप्तता पाई जाती है तो तत्काल इस पर कार्रवाई की जाएगी, यही बात एसपी प्रतापगढ़ ने कहा। बातचीत करने पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कुंडा में घटना के बाद घटना एक नया तरीका आ रहा है, तो इसको देखते हुए वहां पर प्रशासनिक हमला भी बढ़ा दिया गया है, संबंधित अधिकारी की निगाहें भी कुंडा में अब तेज देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आम जनमानस की जो राय है, आम जनमानस अभी भी इस पर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं, जो समर्थक है वो लगातार आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। मैम, जिस तरीके से समर्थकों का एक कर्तव्य होता है कि वो अपने नेता के साथ खड़े रहे और आरोप लगाते रहे, तो इस बात ही वहां के जो कार्यकर्ता है वो इस पर आरोप लगाने जुटे हैं। जी प्रेम, ये तो बिल्कुल वाजिब बात है, लेकिन अगर बात किया जाए जिस वजह से प्रशासन पे भी इल्जाम लग रहे हैं और इतने प्रशासन मुस्तैद होने के बावजूद भी ऐसी घटना सामने आई, तो कहीं ना कहीं एक सवाल ही निशान प्रशासन पे भी खड़ा करता है। खैर, बात हम कर लेते हैं वहाँ के मतदाताओं की, वहाँ की मतदाताओं का क्या है, जबकि 2:00 बज चुके हैं, 3 बजने वाले हैं और लोगों में क्या कुछ जोश है, किस जोश के साथ लोग मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं? बिल्कुल, बता दें अगर मैं यहाँ मतदान केंद्र की बात की जाए तो आप देख सकते हैं जो धूप है वो पूरी तरीके से चिलचिलाहट धूप है, यहाँ पर पूरी तरीके से चिलचिलाहट है। कुछ मतदान कर्मी भी हमारे साथ मौजूद है, हम चाहेंगे इनसे इनकी राय भी जानते रहे, तो जिस तरीके से धूप में ये हमारे पीछे कतार भी देख सकते हैं, कैमरामैन से निवेदन करेंगे कि वो कतार जरूर दिखाए, जिस तरीके से चिलचिलाते हुए धूप में इस तरीके से लोग मतदान करने के लिए।
बिल्कुल, ये चिलचिलाती धूप में महिलाएं लगातार दिखे खड़ी है। अब इन महिलाओं को भी इस तरीके से जागरूकता समझ आ रहा है कि ये स्वयं में जागरूक है और जिस तरीके से ये मतदान देने के लिए आप देख सकते हैं धूप में खड़ी है और मतदान करने के लिए आप लगातार सजग हैं और धूप भी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बरकरार है। तो ऐसे धूप में महिलाओं का खड़ा होना अपने में एक बेहतर साबित होता है। जी जी प्रेम, क्या आप वहाँ पे कुछ लोगों से आपने बातचीत करी कि किन मुद्दों पर वो वोट दे रहे हैं? क्या स्पेशली महिलाओं का जानना जरूरी, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार ऐसे प्रक्रिया जो हो रही है वहां पर ऐसे हिंसा सामने आ रहे हैं, उस बीच महिलाएं काफी आहत होती हैं ऐसी घटनाओं से, तो महिलाओं के दिमाग में क्या कुछ है ऐसी घटनाओं को लेकर और वो किन मुद्दों पर वोट देंगे इस बार? बिल्कुल, बात करें हम जनपद प्रतापगढ़ के रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र के लालगढ़ कस्बे में मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिला जो वोटर्स हैं वो खड़ी हैं, वो कतार में लगी हैं। प्रयास करेंगे जरूर कि उनसे बातचीत करें और उनकी राय जाने एक किन मुद्दों पर अगली बार मतदान करेंगे। ऐसे कई सारे सवाल है जो प्राइम टीवी लगातार उठाती रहेगी। महिलाओं को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कई चीजें उठाया है कि महिला लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और कई तरीके से 40% आरक्षण समेत कांग्रेस पार्टी की कई तरीके से घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए छूट दी गई है। और बात करें अन्य सभी दलों की, तो कहीं ना कहीं अपने घोषणा पत्रों में उन्होंने महिलाओं का जिक्र किया है। तो कुछ महिला हमारे साथ वोटर्स हैं, इनसे जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं कि अब की बार इनके यहाँ क्या मुद्दा है। तो आप युवा मतदाता हैं, तो अब की बार किन मुद्दों पर आप मतदान कर रही हैं? विकास, क्या रामपुर खास में विकास हुआ है? हाँ हुआ है, अब नया विकास देखना चाहते हैं। अच्छा, नया विकास देखना चाहते हैं, क्या बदलाव करेंगी या वर्तमान विधायक ही रहेंगी? देखते हैं। क्या लगता है रामपुर खास में विकास हुआ है? हाँ, हुआ है। क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार रामपुर खास में या अन्य जगहों पर घटना पे घटना हो रही है, इससे क्या कुछ मतदाताओं पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? पड़ेगा जी। तो आपकी बार आप किस पर मतदान करेंगी? विकास पर मतदान करेंगी या? जी, तो यहाँ की ये महिलाएं हैं जिनका खासतौर पर कहना है कि ये विकास पर ही मतदान करना पसंद करेंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ की कुछ महिलाओं से बातचीत करने का प्रयास किया गया, जिनका खासतौर पर यह कहना है कि ये अपनी बार विकास के नाम पर मतदान करना चाहेंगी और विकास ही इनका एक नारा रहेगा। जी बिल्कुल जी प्रेम, जिस तरह से जनता बिल्कुल जागरूक हो चुकी है, महिलाएं भी बिल्कुल जागरूक है, सभी को सिर्फ विकास चाहिए। अब बिल्कुल अपनी नजर बनाए रखिए मतदान केंद्रों में, हम थोड़ी देर में आपसे जुड़ेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से महिलाएं भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रही। भाई प्रतापगढ़ में गुलशन यादव पे हमले के बाद अफरा तफरी मची हुई है, प्रशासन लगातार मुस्तैद है, वो जाने की कोशिश कर रहा है कि हमला किसके द्वारा किया गया है, क्यों किया गया, एक बार जान लेते हैं। कुल 1 बजे तक उत्तर प्रदेश में 34.83% मतदान हो चुका है। वहीं अगर बात करें प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ में 33.59% कुल मतदान हो चुका है। पांचवें चरण का मतदान चल रहा है, 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर यह मतदान हो रहा है। वहीं 1 बजे तक 34.83% कुल मतदान हो चुका है। वहीं चित्रकूट में सुल्तानपुर में 34.61% मतदान हो चुका है, अमेठी में 34.08% मतदान हो चुका है, कौशाम्बी में 37.02% मतदान हो चुका है, प्रयागराज में 30.37% मतदान हो चुका है, गोंडा में 34.36% मतदान हो चुका है। वहीं गोंडा भी एक काफी हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि वहां पर भी मंत्री के बेटे चुनावी मैदान में है, बृजभूषण शरद सिंह के लड़के खुद चुनावी मैदान में है और वो अपने लड़के समर्थन खुद कर रहे थे, खुद उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, उनकी रैलियां वो खुद कर रहे थे। तो कई सीटें इस बार हॉट सीट बनी हुई हैं, कई दिग्गज भी। वहीं सराथू सीट से अगर बात किया जाए तो वहां से पल्लवी पटेल और केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में हैं, डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वहां भी कड़ा मुकाबला है। कई सीटें हॉट सीट बनी हुई है, रायबरेली के भी अपने कई अहम मुद्दे हैं। इसी बीच कई ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जहां पर कुछ ईवीएम खराब होने की दिक्कतें भी आ रही हैं, साथ ही साथ लगातार प्रशासन मुस्तैद है, सारे नियमों को फॉलो कराने के साथ साथ शांतिपूर्वक ढंग से मतदान करा रहा है। अमेठी में एक वोटर का बड़ा सवाल भी उठ करके सामने आया है, जैसा कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई थी कि अगर आपका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में तो आप अपना आधार कार्ड लेकर के जाएं, कुछ फॉर्मेलिटी कराए जाएंगे, कुछ फॉर्म्स भरवाए जाएंगे, प्रशासन के द्वारा आपको वोट डालने दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर बने हुए और आपको अलग अलग मतदान केंद्रों से दिखा रहे हैं कि क्या कुछ मुद्दा है इस बार जनता का, किन मुद्दों पर वह मतदान केंद्र आ रही है। संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, अयोध्या हॉट सीट है, इस बार अयोध्या की जनता का दिमाग क्या है, राम मंदिर के नाम पे वोट जाएगा या विकास के नाम पे वोट जाएगा?
जिस तरीके बात की जाएगी तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है अयोध्या, तो यहाँ की जनता जो है वो विकास के नाम पर वोट कर रही है। हमारे साथ में कुछ लोग महिलाएं हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि जो ये वोटिंग करके आई है कि माता जी आप वोट करके आई है कि सरकार कैसी चाहती है, आप क्या लगता है कुछ तो होगा आपके मन में, वोट आपने किया? वोट किया है, किसको किसको किया है, वोटिंग किया आपने, सरकार कैसी चाहती है आप? वही चाहती है जो सरकार है वही रहे या बदलाव चाहती है? वोट किया है आपने, बदलाव चाहती है या वही सरकार? यही सरकार चाहिए, आप भी हैं वोट करने गई थी, क्या क्या लग रहा है बदलाव होगा या वही सरकार रहेगी? जी तो बिल्कुल अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर के सरकार जो है विकास के मुद्दों पर है, और यहाँ पे हमारे साथ में कुछ और लोग जुड़े हैं जेंट्स हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं कजा आप वोट करके आए हैं? अभी वोट करने जा रहे हैं। जा रहे हैं, क्या मूड बना रखा है और क्या है? यही है आत्मनिर्भर भारत, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र सुरक्षा, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, जो लोग विपक्षी लोग चिल्ला रहे हैं कि बेरोजगारी या विकास नहीं हुआ या इस तरीके का कि जो क्या कहते हैं आवारा पशु, ऐसे कोई मुद्दे नहीं है। क्या लग रहा है आप नवयुवक हैं, क्या किस मुद्दे पर वोट किया आपने? सबसे पहले मेरा ये मानना है कि राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वो सर्वोपरि होना चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए, सबसे ऊपर हमको राष्ट्र पहले देखना है। जैसे हम देख रहे हैं कि अभी यूक्रेन में मोदी जी के नाम से जो वहाँ रशिया ने आक्रमण किया है यूक्रेन पर, तो आप देखेंगे कि यूक्रेन में जितने हमारे भारतीय फंसे हैं, अगर कोई भी वहाँ हिंदुस्तान का झंडा लगा है गाड़ियों पर तो किसी की हैसियत नहीं है उसको छूटेगा, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले हिंदुत्व, हिंदुस्तान, हिंदुत्व, राष्ट्र सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। क्या लग रहा है आपने वोट किया? बिल्कुल वोट किया। क्या किस मुद्दे को लेकर के आपने वोट किया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जनता ने सब विश्वास किया है, सबका विकास हुआ है, उसी को देखते हुए हमारी जनता सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विश्वास में वोट कर रही है। जय हिंद, जय भारत। क्या लग रहा है चाचा आपने वोट किया? अभी नहीं किए, मुद्दा क्या रहेगा आपका, आपकी बार वोट करने का? मुद्दा रहेगा राष्ट्रवाद का मुद्दा रहेगा। बिल्कुल, आप नवयुवक हैं, किस मुद्दे को लेकर के वोट कर रहे हैं? मुद्दे के लिए राष्ट्रीय एकता चाहिए हमें, और बीजेपी हमें चाहिए, योगी सरकार चाहिए, गुंडागर्दी खत्म चाहिए, बदलाव, हाँ बदलाव कोई नहीं, योगी चाहिए। क्या क्या मुद्दा है आपका, वोट कर लिए? हाँ हम वोट कर लिए। हाँ किस मुद्दे को लेकर के आपने वोट किया? आप राष्ट्र हित में वोट किए हैं, बाबा जी को चाहते हैं, राष्ट्र हित में किए आप बाबा जी को, मुद्दा क्या है आपने वोट किया? नहीं अभी नहीं किए। अभी नहीं किए, क्या सोचा है आपने? विकास, नौजवान, किसान, विकास, नौजवान, किसान, बेरोजगारी, तो बिल्कुल, और परिवर्तन पे हम लोग वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सिलसिला आप देख सकती हैं कि विकास के नाम पर सबसे ज्यादा अयोध्या में वोट पड़ रहा है। अगर बात की जाएगी तो अयोध्या विधानसभा की, तो अभी परसेंटेज जो है वो 40 से अवेब हो रखा है कि अयोध्या पूरे अयोध्या जिले के। जी जी, जिस तरह से अयोध्या विधानसभा सीट पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, पूरे प्रदेश की नजर अयोध्या विधानसभा सीट पर, अयोध्या हॉट सीट है, जिस तरह से वहां पर विकास हुआ है, रोजगार आया है, राम मंदिर बनने के बाद लोगों को वहां पर रोजगार भी मिला, था कि लोगों में साफ दिख रहा है कि उनके लिए राष्ट्रवाद सर्वप्रथम है। जी राघवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिल्कुल आप मतदान केंद्रों पर बने रहिए, थोड़ी देर में हम आपके पास फिर से आएंगे जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़े थे, अयोध्या से बड़ी दिलचस्प बातें निकल करके सामने है, जहां लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से रूस ने जब यूक्रेन पे हमला किया तो मोदी जी भारतीय छात्रों को वहां से निकाल रहे, और एक युवा का ये भी कहना है कि अगर आप झंडे लगा लेते हैं हिंदुस्तान के तो कोई आपको छू नहीं सकता, तो लोगों में ये भी मुद्दा है वोट देने का। लगातार ऐसे कई मुद्दे सामने आ रहे हैं और अयोध्या में भी लोग अब राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दे रहे हैं। विकास तो अयोध्या में वैसे भी हुआ, अगर बात किया जाए लोगों से की तो लोगों का यही कहना है कि विकास तो अयोध्या में हुआ है, राम मंदिर बनने के बाद लोगों को रोजगार मिला है, वहीं पूरे प्रदेश की नजरें अयोध्या की सीट पर है। लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, आप तक सभी जानकारियां पहुंचा रहे हैं, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।